दुनिया कहती है कि जिसका उदय होता है उसका अस्त होना तो तय है, लेकिन छठ पर्व हमें ये सिखाता है कि जिसका अस्त होता है उसका उदय होना तो तय है। आज मैं मौजूद हूँ कुड़िया घाट पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बस वक्त हो चला है और सूर्य देवता हम जो है ना वो निकलने वाले हैं, और छठ व्रती महिलाएं किस तरह से उनको अर्घ देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं, पूरी शिद्दत से इस व्रत को आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर महिलाएं जो छठी व्रत महिलाएं हैं किस तरह से यहाँ पर आई, उनका हुजूम लगा हुआ है, इतनी श्रद्धा भाव से है, जो कि ये काफी कठिन व्रत माना जाता है, 48 घंटों का होता है जिसमें निर्जला व्रत रखा जाता है। काफी कहते हैं कि ये संतान प्राप्ति के लिए भी होता है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आज ये छठ व्रती महिला अपने 48 घंटे को पूर्ण करके इतने अच्छे से उनको अच्छे से पवित्रता के साथ शुद्धता के साथ इस व्रत को पूर्ण करते हुए आज अपने इस छठ व्रत को सूर्य देव को अर्घ देकर इस व्रत का समापन करें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बस सूर्य देवता हमारे बस प्रकट होने वाले हैं, उनकी छटा बिखेरने वाली है, तो आप बस ये हमारी महिलाएं जो है छठी व्रती महिलाएं किस तरह से बस सूर्य को अर्घ देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और आज मैं ये जानूंगी यहाँ से जो हमारी महिलाएं हैं वो कहाँ से हैं, कहाँ से आप? अच्छा, मतलब यूपी से ही है ना? तो ये बताइए कि आखिर ये जो सिंदूर नाक से यहाँ तक लगाया, इसका क्या महत्व है? बिहार वाले बता सकते हैं, लोग नहीं बता सकते। मतलब शौक में बस आपने उनको देख के लगाया? नहीं नहीं, उन्होंने लगाया। अच्छा, उन्होंने वाक के निशान। अच्छा 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 अच्छा, कहते हैं ये व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी होता है। जी जी, मन्नत करने में पूरा हो जाता है। अच्छा, तो जब संतान होती है उसके बाद ये व्रत रखते हैं या फिर शुरू से ही शादी के बाद? नहीं, पहले रख सकते हैं, फिर जब व्रत रखेंगे तभी तो प्राप्ति होगी। जी जी जी, बिल्कुल। कहाँ से आप? छपरी से हैं। क्या महत्व है छठ महीने का? जो बताया वही क्षेत्र। अरे आप ही बता दीजिए अपनी भाषा में। चौपटिया। अच्छा अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से आज कुड़िया घाट पर नदी किनारे किस तरह से लोग महिलाएं छठी व्रती महिलाएं इस तरह से उपस्थित हुई हैं अपनी पूजा को अपने व्रत को संपूर्ण करने के लिए। बस थोड़ी ही देर में सूर्य देवता निकलने वाले हैं और अपनी व्रत महिलाएं जो है उनको अर्घ देकर अपना इस व्रत को पूर्ण करेंगे। आप इसमें ये जानने आई हूँ कि आखिर इस व्रत का क्या महत्व है, क्या क्या पकवान खास बने? आपको बता दें कि कुछ ऐसी भी महिला है जो दूर दूर से भी आई है अपने व्रत को पूर्ण करने के लिए, कोई अपने भाई के साथ, तो कोई रिश्तेदारों के साथ, तो कोई अपने पति के साथ। वहीं उन्होंने बताया कि ये व्रत बहुत खुशी और उल्लास के साथ करती हैं और तरह तरह के पकवान भी बनाती हैं। छठ में जो बहुत फेमस पकवान है जिसे हम ठेकवा कहते हैं, वो भी छठी मैया को भोग में लगाती है। मैया का व्रत संतान प्राप्ति के लिए होता है और बहुत कठिन व्रत होता है, 48 घंटों का होता है, 4 दिन का होता है। और बस अब थोड़ी ही देर में ये सूर्य देवता का आप देख सकते हैं, एक महिला है, खुद ही एक बच्चा है और इतनी कठिन बात, इतनी कठिन व्रत को अपना संपूर्ण कर रही है और इस तरह से सारी महिलाएं आई हुई हैं। आप दिखा सकते हैं पूरे, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी कि प्लीज इसका नज़ारा इतना अच्छा, इतना अच्छा हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है, प्लीज दिखाया जाए। और यहाँ पर सूर्य देवता उगने वाले अपनी छटा को बिखेरने वाले हैं और बस ये छठ व्रती महिलाएं उनको अर्घ देकर अपने व्रत को पूर्ण करें। आपको बता दें कि कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो व्रत नहीं भी रखती हैं, लेकिन इस छठ मैया का व्रत जो ऐसा है उसको सिर्फ देखने के लिए लोग यहाँ आए। कहते हैं सिर्फ पूजा मात्र जरूरी नहीं कि व्रत रखे, सिर्फ मात्र पूजा करने से ही उनको उस चीज छठ मैया का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए जानते हैं उन महिला से जिन्होंने सिर्फ पूजा के वास्ते यहाँ पर आई हुई है। क्या नाम है? कहाँ से आई है? आपने व्रत रखा है? नहीं नहीं, व्रत नहीं रखा। अच्छा, तो मतलब कुछ दर्शन करने आए? दर्शन करने आए, चढ़ावा चढ़ाने आए? हाँ।
अच्छा, आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो महिलाएं हैं सिर्फ ना कि व्रत रखती हैं, सिर्फ माता को इतना मानती हैं, इतनी इतनी माता प्रसिद्ध है, इतना उनकी शक्ति है कि लोग उनको सिर्फ चढ़ावा चढ़ाने के लिए न जाने लोग कहाँ कहाँ से दूर दूर से आए हैं उनको देखने के लिए, उनकी पूजा अर्चना को देखने के लिए। आप देख सकते हैं, आपको बता दें कि कुछ ऐसी भी महिला है जो नए बंधन में बंधी है, जिनकी जल्द ही शादी हुई है, और आप देख रहे हैं ये एक नया जोड़ा जो कितनी शिद्दत के साथ यहाँ पर आया है व्रत को देखने, छठी मैया का व्रत, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने। उनका कहना है कि वो सिर्फ इस बार आए हैं पूजा अर्चना करने और अगले साल इस व्रत को वो भी करेंगे पूरी निष्ठा भाव से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बस सूर्य देवता हमारे बस प्रकट होने वाले हैं, उनकी छटा बिखेरने वाली है, तो आप बस ये हमारी महिलाएं जो है छठी व्रती महिलाएं किस तरह से बस उनको अर्घ देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और आज मैं ये जानूंगी यहाँ से जो हमारी ये महिलाएं हैं वो कहाँ से हैं, कहाँ से आप? अच्छा, मतलब यूपी से ही है ना। तो ये बताइए कि आखिर ये जो सिंदूर नाक से यहाँ तक लगाया, इसका क्या महत्व है? मतलब शॉप में बस आपने उनको देख के लगाया? नहीं नहीं, उन्होंने लगाया। अच्छा, उन्होंने आग के निशान। अच्छा अच्छा अच्छा, कहते हैं ये व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी होता है। जी जी, मन्नत करने में पूरा हो जाता है। अच्छा, तो जब संतान होती है उसके बाद ये व्रत रखते हैं या फिर शुरू से ही शादी के बाद? नहीं, पहले रख सकते हैं व्रत, फिर जब व्रत रखेंगे तभी तो प्राप्ति होगी। जी 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 बिल्कुल। कहाँ से आप? क्या मैं आते हैं छठ में जो बताया वही क्षेत्र। अरे आप ही बता दीजिए अपनी भाषा में। चौपटिया। बस थोड़ी देर में आप देख सकते हैं बस इस तरह से सूर्य देवता चलने वाले हैं, उनको अर्घ देकर ये महिलाएं प्राप्त करने वाली है, अपनी संपूर्ण करने वाली है। आप देख सकते हैं क्या मैं? आप देख सकते हैं सूर्य देवता का आगमन हो रहा है। सूर्य देवता छठ व्रतियों को दर्शन देने के लिए, उनके व्रत को पूर्ण करने के लिए सूर्य देवता अपनी छटा को बिखेरते हुए प्रकट हो रहे हैं। और अब छठ व्रती महिलाएं सूर्य देवता को अर्घ देकर अपना व्रत समापन करेंगी। देख सकते हैं सूर्य देवता को अर्घ दिया जा रहा है और किस तरह से महिलाएं अपने आज छठ व्रत को पूर्ण कर रही है, कितने शिद्दत के साथ पूर्ण किया जा रहा है। बस इसी तरह छठ व्रत आज महिलाएं पूर्ण कर रही हैं। आज इस खबर में बस इतना ही, बनी रही यूपी न्यूज के साथ।